सिंगरौली एनटीपीसी के सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाले विंध्याचल परियोजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए इस वर्ष कार्बन कैप्चर प्लांट की स्थापना कर रहा है। कार्बन कैप्चर प्लांट संभवतः देश का पहला ऐसा संयंत्र होगा जो किसी विद्युत संयंत्र में स्थापित होकर विद्युत संयंत्र से निकलने वाली हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर उपयोगी मैथनॉल के रूप में परिवर्तित करेगा, जिसका उपयोग संयंत्र के बॉयलर संचालन में किया जाएगा। यह बातें विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक ई सत्यफनी कुमार ने कहा कि विंध्याचल परियोजना विद्युत उत्पादन के साथ साथ ग्रामीण विकास, विस्थापितों के कल्याण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्पित है। साथ ही उन्होंने कहा कि विंध्याचल परियोजना 89% PLF के साथ विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए है। सबको मालूम है हमारा कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी का ट्रस्ट है। ये एनवायरनमेंट एस्पेक्ट में ये CO2 मिथेनॉल प्लांट है ना, NTPC में पहला प्लांट है ऐसा, इंडिया में भी पहला है। हमारा जो फ्लू गैस बाहर जा रहा है उससे 20 टन्स पर डे CO2 निकाल के हम स्टोरेज करके उसका साथ दो टन का हाइड्रोजन प्लांट में हाइड्रोजन जनरेट करके दोनों को रिएक्शन करवाने के बाद डेली 10 टन का मेथनॉल प्रोड्यूस करने का प्लांट है।